तो किधर गया आजिम? अरे इधर कोई तो गया। क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई साहब बहुत जहरीला सांप गया इधर को। किधर को गया भाई साहब? किधर को? मैंने बहुत सांप मारे, मैं मारूंगा। इधर को गया भाई साहब, जिंदे सांप इधर को। ठीक ठीक, मैं मार के आता हूँ। अरे भाई साहब मिल गया। अरे कौन सा सांप है? फुल 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 बग्गा। तो अजीम इधर कौन सा सांप है यार? अबे क्या पता क्या पकड़ लिया। जहर उगल लिया, जिंदा गाढ़ा गाढ़ा निकल लिया है। अरे भाई साहब जल्दी आ जाओ, मुंह दबोचे पड़ा हूँ, भनभना रिया है। भाई साहब इच्छाधारी था क्या सांप? अबे साले जिंदा लोड़ना मार दिया तूने। नाम बता अपना। मैं नाम बता अपना नाम। मैं नाम बता अपना नाम। अबे इसे लिखो कैसे? बताओ किस कदर शांति है इस देश में। 1945 में थी ऐसी शांति भाई साहब, एक गाड़ी नहीं होती थी और आज भी एक गाड़ी नहीं है। ट्रैफिक है ही नहीं आज रोड पे। अबे एड्रियाना भोस लेके बहरा आ गया। ए कौन है तू? रास्ते में साइड। मुझे तुम्हारा माल चाहिए। I want your माल। अल्फराक इंसुमिनिस माल। अरे भाई साहब कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो इसे अरे भाई साहब कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो इसे समझ में नहीं आगा। भैंस के आगे बीन बजाना होता है ना, इसके लिए सुअर के आगे बीन बजाना। तो इस सुअर इस आदमी को कौन समझाएगा? वसीम। अगर अपना माल चाहिए तो कल सुबह चंबल की कांड में आ जाना। अरे भाई साहब चंबल की घाटी होता है वो। घाटी कांड एक ही बात है, दोनों गहरी होती है। दनिया दनिया ले गया वो। कड़ी चावल कैसे बनेंगे? आज ही कड़ी चावल बनाए। सुबह ले लियो सुबह में। बे ये कैसी चंबल की गांड है? बे पार्क का नाम चंबल की गांड है। मुझे क्या पता MBBS कितने साल का हो गया? अरे सुसरी के 5 साल का हो गया MBBS। जो मुझे सबसे पहला आई लव यू बोलेगा उससे सेट होंगी। बाय। बे नाजिम कौन सी गाली बक के गई है मुझे बता। तेरी बहन की स्वरिया काटूं आ मत जाइए दोबारा से यहाँ पे। इसे तो मैं ही पटाऊंगा। ऐ ये दोनों तो बाबली गांड है। अरे फाड़ दूंगा इसकी। अब कैसी आ गई तो नाजिम इससे पूछ क्या कौन सी गाली बक के गई है। इसका डायनासोर बना दूंगा मारते मारते। लिखित में न लूंगी। मुझे गाली बकरिया। तो कह के गई थी ना जो सबसे पहले आई लव यू बोलेगा उससे साइड होंगी। निका कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है। ये बंदा जो आ रही है इसमें कुछ बात लग रही है। ये प्यार दिख रहा है इसकी आंखों में। ये बोलेगा आई लव यू। कौन सी गाली बकके गई थी आप अभी? ये गाली देना छोड़ दो वरना किसी दिन ऐसी ऐसी गालियां बकूंगा ना जिंदगी भर गाली ना बकेगी। तेरी सुतरी मारूं। आज के बाद बोल मत जाइयो। बोलूंगी तुझे तब भी आवाज ना आएगी। मुझे क्या पता रामलीला कब शुरू होगी। और बात मत काटे आज के बाद बात मत करिए मुझसे। मिल गई दिखे इस बार। निकाह कबूल है कबूल है कबूल है।
साले हमारे भाई को मारता है और कल से कड़ी चावल ठंडे पड़े हैं। धनिया दे हमारा। क्या है? तूने हमें चंबल की गांड में बुलाया ही क्यों जब तुझे हरा धनिया ही देना था? तो मुझे तुम तीनों से एक चोरी करवानी है। मैं पूरे 3 महीने 3 दिन से तुम पर नजर रख रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है मैंने तुम्हारी हर एक चोरी देखी है जिस तरीके, और इस चोरी के बदले में जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी चोरी हम कर देंगे, बदले में हमें ये 3 चीजें चाहिए। मुझे तुम्हारी ये 3 शर्तें मंजूर है, अब तुम मेरा प्लान सुन लो। अरे बाबली गांड, नहीं डेड है अभी। बे वसीम कौन था वो और वो माचिस क्यों देके गया? घर पे बताएगा, नंबर तो ले लेते उसका। अबे यार नंबर तो लेना भूल ही गए, वो नंबर देना भी है उसे अपना। एक काम कर तू जा जैन। मुझे क्या पता समोसा कितने का बेच रही है आप? मैं ही लेकर आता हूँ। अरे वसीम यार मिला ना, वो अंधेरा बहुत हो गया, कल सुबह ढूंढ लेंगे। नंबर लेने तू जाएगा? अरे कहाँ जा रही है इतनी रात में, कौन जा रही है? अबे साले मुझे क्या पता मम्मी ने तुझे ढाल लगी क्यों दिया। ऐसे तरीके क्या? अपना नंबर दे। ओ क्या कह रहा है? ओ नंबर दे रहा है तू अपना? तू से कौन सा नंबर स्टार्ट हो गया है? फिर से तू? अच्छा किसी और को भेज दे। माया कुछ गाड़ फाड़ चमक रहे चांद और तारे। ए भेड़िया आ गया क्या? क्या हो गया? तू से नहीं दे पाया गांड, तू से नंबर नहीं दे पाया। साले को मैं नंबर दे काऊंगा, इसकी गांड फाड़ दूंगा। ये भी नंबर ले आऊंगा नंबर। ये आवाज कैसा आ गई मुझे? नंबर ले लो हमारा, 94-26-372-400। अपना नंबर दे दो। 112-24-36-48। अरे भाई साहब नंबर बताओगे कब? तो और कैसे बोलूं? चल अच्छा सुन, 94-112-24-36-48। भाई साहब बताओगे कब? 94-112-24-36-48। अरे भाई साहब देर हो रही है हमें, कब बताओगे नंबर? 94-112-24-36-48। भाई साहब टाइम नहीं है हमारे पास, नंबर बताओ। 94-112-24-36-48। अबे साले तुझे नंबर नहीं देना था तो मना कर देता ना, टाइम खराब करवा दिया। हेलो चेन्नई से? चेन्नई तक कैसे पहुंच गया मेरा नंबर? आवाज आ रही है वहां तक? कम से कम साले से 10 बार नंबर पूछा, एक बार ना बोला, वो एक शब्द ना निकला उसके मुंह से। खैर हमें क्या लेना नंबर का, जैसा कि उसने बताया चोरी करनी है वैसे हम चोरी करेंगे, और अपनी जो 3 शर्तें रखनी है वो लेनी है। ठीक है डन, आज रात तैयार हो? डन। इतनी सुबह चोरी कर रहे हो, पागल हो गया नाजिम? हाँ जैसे ही तुझे पुलिस दिखे ना तू वसीम को बता दिए, और वसीम मुझे आवाज लगा देगा सुन तो मैं लूंगा ही। सही है, बहुत बढ़िया प्लान है जैन, माइंड ब्लोइंग। ना मुझे ना पता पेट्रोल सस्ता क्यों है। सोतरी के
सस्ता, उसे बाद में देखेंगे, मैं जाता हूँ अंदर चुराने, ठीक है? नील की निगाह मेरी वस्ती। साले मंडल तो तू दुकान पे से भी खरीद सकता। अबे साले मंडल तो तू दुकान पे से भी खरीद सकता, चोरी क्यों करवाया हमसे? बस यही तो नाजिम। अबे ओ बता के तो जा, वो तो मैं पार्ट टू में ही बताऊंगा। बस सामान दे दिया, दिखा उसने। अच्छा हुआ पार्ट टू में ना दिया। नाजिम खराब है क्या ये? अबे वसीम ये क्या दे गया मुझे, मैंने इससे दो राज्य मांगे, क्या है ये? अबे नाजिम ये सेकंड हैंड ही दिखे, अब आज आई ना रही इसमें। वसीम पुलिस आगे दिखे, भागो, मैं तो भाग जाऊंगा, तुम अपना देखो। ना अंदर बैठ ले बेटा। जिस दिन इसके अंदर आवाज आ गई ना, ऐसे ऐसे गाने डाउनलोड करूंगा, हर गाना डाउनलोड कर दूंगा इसके अंदर जिस दिन आवाज आ गई। साला देखे भी तो सेकंड हैंड गया है। ओह शिट, ओह शिट। मैं आ रहा हूँ इन पुलिस वालों के हाथ। बेटे आओ चलने। अब आज तीसरे महीने में तुम्हारी कोर्ट में तीसरी पेशी है, और हो सकता है आज कोर्ट में फांसी की सजा सुनाए। ये क्या बात हुई दरोगा साहब, मंडल चोरी करने पे फांसी की सजा? मंडल चोरी करने पे नहीं, तुमने कुछ चोरी चुराया था। नहीं नहीं दरोगा साहब, नाजिम तुम भी गलत बोल रहे हो, तुम भी बॉडी ऋतिक रोशन की बढ़िया। ऐसे साले को चुप करा ले तू, इसने मेरे कानों में दर्द कर रखा है 3 महीने से। अब तुझे समझ में ना आता तो क्यों तुक्के बुला रहा है तू? मुझे क्या पता ऑटो में चौथा पहिया क्यों ना होता है। इन सालों ने सर में दर्द कर दिया मेरे, गाड़ी रोकी है, सिगरेट पीनी है। जी ऐसा साहब। अबे ये दरोगा फोन पे बात कर रहा है, इस टाइम मौका है भागने का, प्लान बनाओ इस गाड़ी से जल्दी से। आओ आओ। हाँ लेकिन इतनी अंधेरी काली रात में गाड़ी चलाएगा कौन? बिल्कुल सही कह रही है, NH24 से ही चलो। वसीम एक काम कर, गाड़ी तू चला। की डू यू लव मी? ओए ओए आई भाई साले, जल्दी करो दरोगा आ जाएगा। जैन तू चला ले। हाँ सही कह रही है, कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की लेंगे रास्ते में। सुतरी के पॉल वॉकर को ही चलानी पड़ेगी। रॉकेट बना दे रॉकेट, मुंबई से पहले मत रोक दिए। डाल गियर। ये कैसा गियर है वसीम? विदेशी कंपनी की गाड़ी है क्या? बड़ा मुलायम गियर दे रही है कंपनी। नाजिम कार का गियर डाल यार, मेरा गियर मत डाले। मैं गियर डालूं? मैं नहीं खोलूं इसकी फाइल भाई। अरे 3 लाखों ने खून के रखा है मेरा तो। ओके दरोगा साहब, ओके ओके। मुंबई सपनों का शहर। गर्मी कैसे हो रही है मरीन ड्राइव पे इतनी आज?
तुम्हें मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे निशाने के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, और मैंने ये भी सुना है शूटर मूवी में तुम्हारा खलेरा भैया था, और मैंने ये भी सुना है तुम आँख मीच कर निशाना लगा देते हो, और वो भी बिल्कुल ठीक। नए बोल वो कर जिंदा गाल पे मारा है, गाल पे खागा। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? दरोगा साहब मुंह उतार दिया जान को, ये तो बताना रिया। अरे ये सुन नहीं सकता ना दरोगा साहब? अबे भौसले के बोल तो सकता है पसीन। भोसड़ी के गाली बके जा रिया। अबे नाजिम तीन बार अम्मी को गाली बक दिया इसने, ये सोच रही आवाज ना आती है मुझे। टना टना आवाज, अबे नाजिम आवाज ना आती है मुझे। हाँ तो आती ना है ना बहन, वही वाले बढ़िया सत्री के। आज के बाद मत बक दिए गाली, साले तेरी गांड फाड़ के स्वेटर बुंदुआ जाड़ो था। दरोगा साहब मुंह लग रिया, रास्ता ना पता नहीं इसे, देखा ना मैं दिखा दूंगा इसे झाड़ियों का रास्ता किधर है। ये बात तो ठीक है, रोक लिए गाड़ी, गानी झाड़ियों में मुझ पाऊंगा। ना ना एक वाफी ना बढ़िया लगे तरीके, यहाँगी झाड़ी है इधर, रोड है इधर ना, ये घनी झाड़ी है यहाँ मुझे। अरे बहुत ही बढ़िया ना ना दरोगा साहब, उधर कोई छिनाला ना होता जंगल में। ये दरोगा साहब कहाँ से आ गए? चलो उधर। ए साले बता दे ढाई घंटे हो गए कहाँ है? ए आ आ। अबे बता दे कहाँ गए हैं? साले गूगल मैप पे बना रही है जगह तो तुम्हें बता रही है ना? ठीक है, अब कोर्ट में गवाही तू ही देगा उस मर्डर चोरी कराने वाले के बारे में, तू ही इसका स्केच बनवाएगा और तू ही बताएगा। लेकिन तू बताएगा कैसे? तो बताने कहाँ गए वो लोग? ये कहाँ को लेके जा रहा है मूत पलिया, और ये पुलिस वाला अपना उधर खड़ा है। सतरी के प्लान है ये पुलिस वाले से बचने के लिए ना। रॉबर्ट 2 मूवी बहुत बढ़िया थी, लेकिन पूरी मूवी में एक कमी है, साला कहीं आवाज नहीं है कहीं पे भी। आवाज छोड़, मेन एक्टर दिखाई नहीं दिया रजनीकांत। भोसड़ी का आला मारा मूवी को कॉपी करा जा रही है। ये क्या है? पानी की टंकी दिख है, टोटी टोटी। ये देखे है टोटी, कौन है बे? चूतिया चूतिया, अब हम चूतिया हो गए बसी। भौसड़ी के आरो का पानी क्या पीने लगा एक्सप्रेस वे पे, हम चूतिया हो गए। ए बसीम तो बार बार गाली ना बकता, ये कुछ और ही कहना चाह रिया। अबे नाजिम कर ले। जैन की आवाज, बलाल। अरे इधर जैन, इधर आ जा इधर। अबे नाजिम कर ले। भाई साहब ये मैं हूँ, मैं इनसे एड्रेस पूछ रहा था, इनसे बता ही नहीं जा रिया, आप बता दो। ए भाई साहब ये तो तुमने काले पेपर पर काले पेन से लिख काला दिया, ये वसीम बता देगा। वसीम भाई साहब इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आप बता दो एड्रेस, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रेड लाइट गंडेली रोड के पीछे। अच्छा रेड लाइट गंडेली रोड, कुछ नहीं भाई साहब ये भरी मार्केट में से निकल रहे, लोग टहल रहे हैं ना यहाँ पे, भीड़ जो है मार्केट। भाई साहब तुम रहनी दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे भाई साहब मेरे आगे तो गूगल मैप भी फेल है। अबे नाजिम दलाल दलाल दलाल
दलाल। आवाज गुंजा रही है सुतरी के पास में ही हूँ मैं। नाजिम दल्ले दल्ले इधर ही हूँ। पसीन पकड़ी इसे कहाँ है? नाजिम दलाल दलाल। नाजिम सही कह रही है बसीन। मेरा कद्दू समझ में आ गया इसकी लैंग्वेज। मेरे सिर में गोली मारी। अरे दादी आखिरी चिट्ठी दादी की। अरे कौन सी दादी? कैसी दादी? क्या समझा दिया बसीन ये? नैना जो मिल के ख्वाब देखते थे मेरा। कॉपीराइट आ जाएगा जान मत का। शहर में पल के मीचते क्यों? अरे हुए जुदा। एड्रेस पूछ लिया ये साले। और चलाओ व्हाट्सएप। अरे सुतरी के बसीन सही से समझा इसे। शहर में बंद हो गए क्यों? तूने पहले मेरी दादी के 6 गोली मारी, उसके बाद तूने उनकी लाश को कुएं में फेंक दिया, उसके बाद तूने उन्हें गुड डे बिस्किट खिलाया, फिर तू मूवी दिखाने ले गया हॉलीवुड की, फिर घर पे लाके तूने घड़ी के साबुन से उनकी लाश को धोया। अब मैं तुझे धोऊंगा। काम हुआ या नहीं हुआ? शाम तक काम हो जाना चाहिए। प्रेक्षक ने बता दे अब कहाँ है वो चीज। अंधे बहरे गूंगे पे तो है नहीं वो चीज। चीज तो मेरे पास भी नहीं है वो। सब हुआ ये कि और फ्लैश बैक हुआ ये था कि मैं वो चीज चुरा कर भाग रहा था और आप मेरे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते मैं एक दुकान पर रुका और मैंने एक मंडल लिया और वो चीज मैंने उस मंडल में छुपा दी और मैं वहां से भाग गया। भागते भागते मैंने आपको चकमा दिया और मैं एक घर में घुस गया। मैं आपको वहां पर नहीं मिला और आप वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वापस मैं उस दुकान पर गया। मैंने देखा वहां पर वो मंडल था ही नहीं। फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा तो उसने कहा वो मंडल तो एक बुड्ढा ले गया। मैं उस बुड्ढे के यहाँ गया तो मैंने देखा आप उस बुड्ढे से पूछताछ कर रहे थे। मैंने आपको देखकर वहां से भाग गया। इसीलिए मैंने उन तीनों से वो मंडल चुरवाया था। तो मंडल तो फिर तुझे ही मिला ना? वो मंडल को मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन वो चीज तो न मिली मुझे जो मैंने मंडल में रखी थी। कार के पीछे रिश्वत बट रही है। कहाँ बट रही है? पिछले महीने की भी ना मिली। कैसे मुंह में लेगा तू मेरा? अन्ना 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 अन्ना। कैसा अंधा है तू? अबे हाँ कैसा अंधा तू? अबे साला एक एक बार परफेक्ट मारा इनने, एक मिस ना हुआ। बसीम चिंता मत करो, मेरा निशाना बिल्कुल माथे पे है, बिल्कुल माथे पे है। काबिली से मिल रही थी क्या पार्ट टू? ऋतिक रोशन से बढ़िया खेल लिया बहन का लोड़ा। कौन है ये जिसने मेरी जान बचाई? 20 लाख रुपए मैंने बचाई है। छाती पर लगी है बिल्कुल। साले ने गांड पे गोली मारी है। हाँ गांड पर लगी है गोली। तिन्ना भर के रेपटा मारूंगा, जिंदा उसके गोली लगी है। अंधा तू है, हम नहीं। मंत्री जी इस लैंड स्नाइपर ने गोली मारी है। हाँ मंत्री जी मैंने गोली मारी है। अब बेटे किसने मरवाई है गोली? ना बताऊंगा। ऐसे मिलेंगे? उसने मरवाई है। मैं आ रहा हूँ ढीले पुलिस वाले के हाथ, पिछली बारी तो आ गया था। बेटे तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी जान बचाई है। न्यूज चैनल पे लाइव इंटरव्यू होगा तुम्हारा। मंत्री जी 20 लाख रुपए का क्या?
और डलवाओ 35 हवा अगले वाले टायर। तरीके मंत्री जी यही है वो जिसने गोली चलवाई है। गिरफ्तार कर लो इसे और इन बच्चों का इंटरव्यू करवाओ। अब आयो चारों हाथों में तुम, अब बताओगे कहाँ है वो चीज। इंटरव्यू तो इंटरव्यू के बाद देखूंगा। चल रहा हूँ मैं, तू बताओ। स्वागत है न्यूज 25 चैनल में। आज हम आपको ऐसे तीन महान दिग्गजों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की शान नहीं बल्कि मंत्री जी की गांड छोड़ी, मंत्री जी की जान भी बचाई है। मिलिए नाजिम, जैन, वसीम। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं जैन से। तो जैन आप बताइए कि मंत्री जी को आपने कैसे बचाया? लंड बचाया इसने। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अगला सवाल हम पूछते हैं वसीम से। वसीम बताइए आपने मोकार वारदात पे क्या देखा, अपने लफ्जों से बयान कीजिए। वसीम भाई कुछ बोलिए। अरे बोलते क्यों नहीं आप, बोलिए ना। अबे ये कौन सी लैंग्वेज है? अरे चल लगा दे सबटाइटल ही लगा दे। चलो आप सबटाइटल लगवा दिया, आप बोलो। अरे क्या समझ में आ गया? कुछ भाषा तो निकले, कुछ शब्द तो निकले, कुछ हो तो सही। क्या ट्रांसलेट करें बता। अरे सर इसकी लैंग्वेज सिर्फ जैन समझता। अबे सच्चा मुसलमान नहीं सच्चा इंसान हूँ, तेरी छोटी सोच पे देने आएगा ज्ञान हूँ। वीडियो में रॉकेट छोटे में विमान हूँ, चक्कर आ जाएगा चिमान वाला फान हूँ। जैन अब तुम ही बताओगे कि गोली किधर से आई थी, कितनी स्पीड थी और क्या आवाज थी? ना ना सर, स्विफ्ट डिजायर बढ़िया डीजल में। अबे क्या हो तू, मैं किसका इंटरव्यू करवा रही तू? नाजिम तुम मुझे बड़े समझदार दिख रहे हो, तुम मुझे बताओ वहाँ का माहौल कैसा था, तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा कि हम तीनों गोवा के बीच पर खड़े थे और मंत्री जी गुच्ची के जूते और डेनिम की पैंट पहने हुए और स्नाइपर पीले कपड़ों में जिंदा सर जैन के मत्थे पे गोली पड़ी है। बिल्कुल सही नाजिम, एक एक चीज तूने परफेक्ट बताई, एक एक चीज। विकास की शादी में बाकी में ही तेरा रंग का खाना चला था, पर ये बात तू बहुत गलत बोल लिया कि रसगुल्ला ठंडा था। अबे तू लेट आया था। ए सुतरी के कौन विकास? वसीम सर नहीं आ रहा। अबे क्या करेगा इसे लेके, कुछ बोल लिया है ये ना? बता तू क्या करेगा इसे लेके, कुछ बोल नहीं रिया, फ्रेम में नहीं आ रिया, बता दे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो हुआ ये कि सर हम तीनों एक उसमें खड़े थे पार्क में, वहां पे स्नाइपर भोसड़ी के इतना मारूंगा ना। इंटरव्यू में बिल्कुल ना बोल लिया, पता नहीं क्या क्या चल लिया था। ना ना मेरा बर्थडे 12 को ना है। सालों ने दिमाग खराब कर दिया। रामू एक चाय ले, ये दो मंगवा लो। दो लिए ये। सर दो क्यों, तीन मंगवा, हम भी पीएंगे। नाजिम आपको भी चाय चाहिए क्या? और क्या ना सर, 3:43:34 हो गए, चाय का टाइम नहीं है पीने का। सालो इतना मारूंगा ना तुम तीनों को, चाय के नाम से उसे आवाज निकल रही है टन टनाटन और इसे सुनाई बड़ी तेजी से दे रहा है। और साले तू सेकंडों के हिसाब से सेकंड भी एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम ठीक बता रहा है। नाजिम चाय पी ले, आ गई। कहाँ है? इसे मत पी, इसमें मक्खी गिर गई, इसे फेंक दे कोने में। कू एकदम कोने में फेंकी ले। ऐसे फेंका इंटरव्यू में? निकल जाए यहाँ से। सालो आज के बाद तुम्हें देख लिया तो आत्महत्या कर लूंगा और मैं नौकरी छोड़ लिया हूँ। ये नौकरी नहीं करूंगा बिल्कुल भी, नौकरी छोड़ लिया हूँ मैं, ये नौकरी छोड़ लिया। सर एक बात पूछनी थी वैसे। हाँ पूछ। सर इंटरव्यू तो ऑफिस में ले लेते कम से कम, ये खुले गार्डन में लिया। सालो जहर खा लूंगा, किसी का इंटरव्यू ना लूंगा ऐसा। चले जाओ यहाँ से। बहुत तरस आ रही है आप वसीम इंटरव्यू वाले के ऊपर। क्यों? अबे यार कितना बोलने की कोशिश कर रहा था वो अपने मुंह से, लौंडे का एक शब्द ना निकला मुंह से, बतेरा चीखा। अरे सुतरी के बहुत चीख रिया है वो, मुंह भर भर के गालियां दे रिया है, कौवा टूट गया साले का। क्या नाजिम पप्पू की लौंडिया देने लगी? Oh, no. पहले कभी ना दी उसने।
बसीम एक बात तो बता यार, ये इंटरव्यू कौन से चैनल पर आगा अपना, मुझे देखना। अब मिले हो ना तुम तीनों अकेले, चुपचाप बता दो मेरी वो चीज कहाँ है जो मैंने मंडल में छुपाई थी। वो चीज तुम तीनों में से किसी ने चुराई है, मुझे वो मेरी चीज वापस दो। नाजिम भिखारी बन गया ये, तो मेरी चीज मुझे वापस करो। मैं साले कहाँ से दे मैं तुझे भीख, है ही ना हम पे एक रुपया ना, ये पता ना ये पड़ा बस क्या है। अबे सालो यही तो है वो चीज जो मैंने मंडल में छुपाई थी, 10 करोड़ का हीरा है ये। 10 करोड़ का हीरा? 10 करोड़? और तेरी भी तो आवाज निकल गई। भाई ये छोड़ो सालो, कितना चमकदार हीरा है, सफेद है पूरा। वसीम बहुत महंगा बिकेगा, काम कर। एक रुपया ना दूंगा किसी को। ए इधर भाग। मेरा कद्दू ले लेगी कोई पुलिस मुझसे ये हीरा। भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे उतारूं, पिछले 6 महीने से इन तीनों ने इस पूरे स्टेशन में हल्ला काट रखा। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। आ जा बे तीनों, तुम्हारी जमानत हो गई। अरे ना दरोगा साहब, हम ना जा रहे रबड़ी खाने। अबे गांडू मर क्यों नहीं जाता तू, देख रहे हो भाई साहब पिछले 6 महीने से उन्होंने ये सब कर रखा। अबे सालो बाहर आ जाओ, इन्होंने भाई साहब ने तुम्हारी जमानत करा दी। ना दरोगा साहब मैं बाहर ना आऊंगा, अब तो इस धर्मशाला में मन लगने लगा है। धर्मशाला देख रहे हो भाई साहब ऐसे नहीं हमने। वसीम दरोगों को पकड़ लिया, मार मार सारे को, वो मार से तरीके के। तीनों के तीनों बाहर आ जाओ, सालों ने दिमाग खराब कर रखा। दरोगा साहब ये जमानत किसने कराई है हमारी? इन्होंने। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी जमानत करवाई। नाजिम ये पैरों में पड़ गया और तू माफी मांग लिया, क्या कह रही है? बस सुतरी के जमानत कराई है इन्होंने अपनी। क्या वसीम की गांड मारने को कह रही है? के क्यों बे वसीम की गांड मारेगा तू? साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा गांड पे, आने वाली 7 पुश्तों ही गांड में दर्द होगा। मुझे नहीं करानी जमानत। जमानत ऐसे कैसे नहीं करानी जमानत? क्या ऐसे कैसे नहीं करानी जमानत? मेरे पैसे मुझे वापस करो भाई साहब, फ्री में हो रही है जमानत और साथ ही अवार्ड भी मिल रहा है। बस इन्हें ले जाओ तुम यहाँ से। यार काम भी तो यही कर सकते हैं। तुम्हें याद है एक बार इंटरव्यू लिया था तुम्हारा? जी सर याद है मुझे, तो वही जो खुले गार्डन में लिया हा? और इस बार अंधेरे में ले रहे हो। तीनों के तीनों कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूं। अब मैं तुम्हें गांड देने वाला हूं, पहले हम लेंगे। सही मारा सर सुतरी के, मेरा ही बहरा दिखे है, एक मैं भी रखूं साले के। आया मजा साला, सुतरी का बेइज्जती कराता रहेगा। ना ना जी बिल्कुल गलत कह रही आप, अबे असली मजा दही सही है जलेबी का। सालो मादर चोदो, तुम्हें बुला के मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती की है, निकल जाओ यहाँ से। पर काम भी तो यही कर सकते हैं। डरो
तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। एक आदमी को लटकाना है। किसको लटकाना है सर? मेरा आदमी तुम्हें उसकी फोटो दे देगा बाहर। ये लो फोटो, और तीनों ध्यान से देख लो इसे। अरे भाई साहब, मैंने देख लिया, तीनों ने देख लिया। चील की निगाह है मेरी। हो जाएगा काम। क्या कर रहा है? हीरा काट रही हूँ। उल्टा जवाब बॉस को। सॉरी बॉस, रम्मी खेल रहा हूँ एमपीएल पे। अबे साले, रम्मी खेलने का मजा असली जिंदगी में है, फोन में नहीं। अरे बॉस, इसमें मजे के साथ साथ पैसा भी है, और तो और 1,00,000 तक जीत सकते हो। 1,00,000 रुपए? औकात है बैंकचोद? है औकात तेरी 1,00,000 की बात करने की? औकात देखेगी मेरी महबूबा। देख जीत गया लड़ू। क्या बात कर रही है? अरे बॉस, जितनी सैलरी तुम मुझे देते हो ना, इससे ज्यादा मैं रमी गेम खेल के कमा लेता हूँ। और तो और 100 रुपए का बोनस कैश मिलता है, जिससे कि तुम इंस्टेंट यूज करके पैसे कमा सकते हो। रिस्की होगा। सबसे ज्यादा सेफ है। क्यों, है ना एमपीएल बढ़िया ऐप? अबे हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया ऐप है, अभी डाउनलोड करता हूँ। पहले ये बता, फोटो दे दिया ना उन्हें? जी बॉस। अबे ये फोटो तो दे दिया उसने, लेकिन ये आदमी कहाँ मिलेगा? और सीधा कुरकुरे से ज्यादा टेढ़ा इसका। सुतरी के हमेशा अलग ही बोलता है। बैंचोद ने फोटो भी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया। बे कान है बे? अबे अंधा है क्या? बंदा किसे कह रही है बे? साले चील की निगाह मेरी। ये साला अभी से अंधे को ढूंढा, पता ना कहां चला गया। अबे वसीम ढूंढ इसे। बेटे आइसक्रीम की जिद कर रहा है। फोटो वाला आदमी तो ना है कहीं? मैच करके देखूं। जिंदा मैच हो रहा फोटो से। बसेम, आदमी मिल गया। क्यों आए हम यहाँ पे? फोटो वाला आदमी मिल गया, ये खड़ा मेरे सामने। भाई साहब, जब फोटो लिप बनू कह रही है, एक फोटो ले दो ना। लो गांड फाड़ बिलर मारियो। सुतरी के ना वाला फिल्टर ना है। बसीम, ये वही आदमी है फोटो वाला जिसे आप लोगों को लटकाना। मार साले को। खोपड़ी तोड़ बसीम साले का, खोपड़ी तोड़। छोड़िए मत साले को, बसीम लटकाई दिए। बड़ा सुअर फोटो खींचा इस फोटोग्राफर ने साले ने। अरे कद्दू का फोटोग्राफर है। इतना अंधेरा क्यों है, लाइट क्यों नहीं लगाई गार्डन में? DSLR ही लूंगा अपना किसी दिन, बताता हूँ फोटो का। बहन के लड़ो अकेले चले गए फोटो खींचवाने। ये भी ना खिंचवा का आया क्या? तो तेरी के चुप। वसीम लटकाई आया उसे। बात फिर कॉल लगा। हेलो, हेलो, किसे लगा दिया? हेलो, हाँ हेलो, हेलो। अबे पैरे बोल तो रहा हूँ, आवाज ना आ रही। भाई साहब नेटवर्क खराब है क्या? अबे भोसड़ी के पैरे, अंधे को फोन दे। हेलो वसीम, फोन ले इससे। हेलो, काम हो गया भाई साहब, आ जाओ। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही लोडो काम दिया मैंने। 1 घंटे में जो काम कर दिया, कहाँ निपटाया? ये लटका हुआ तो है। हाँ वो लटका हुआ तो है। अबे सालो, ये किसको लटका दिया? अरे यही तो है फोटो वाला आदमी। अबे सालो, फोटो तो देख ले करो, ये किसको लटका दिया? और सालो लटकाना नहीं था, मारना। बॉस, दीवारों के भी कान होते हैं। वाह क्या शेर सुनाया है। बताओ, दीवारों तक के कान है पर इस भोसड़ी वाले के कान नहीं है। अच्छा हम भी एक शेर सुना मैं। तो सुनो के निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड। वाह वाह, के निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड, और तू बहन के लोड़े ले ले मेरा लंड।
ले एक बार फोटो और दिखा देने। लाओ ये फोटो दो मुझे और ये HD में तीनों देख लो ध्यान से और इस आदमी को मानना है जान से। अरे भाई साहब मैंने देख लिया फोटो, मतलब तीनों ने देख लिया, चील की निगाह है मेरी, जाओ काम हो जाएगा। ठीक है जान से मानना फोटो वाले इंसान को, आओ काम निपटा में। अबे मुझे नहीं पता, पकड़ के लाओ ने। भाई साहब, अब भाई साहब किस आदमी को देखा कहीं? अबे अंधे तू? अरे दरोगा साहब आप यहाँ कैसे? चलान काट रहा हूँ मैं तो। अरे दरोगा साहब इस आदमी को देखा हो तो बता दो। दिखा क्या 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 काम है इससे? बहुत जरूरी काम है दरोगा साहब, बस बता नहीं सकता मैं। कुछ तो गड़बड़ है। बेटे मैंने देखा। लाओ फोटो दो। ले बसीम भूख लग रही है, कुछ खाने का लिया? पैसे ना है? क्यों पर्स कहाँ गया? ओई 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 चोरी हो गया। चोरी कब? मैं यार मैं कुछ जुगाड़ डाल के आता हूँ देख खाने का भी। मैं भाई साहब क्या हो गया? मौत होगी किसी की भाई साहब। क्या मौत होगी किसी की? क्या हो गया? मौत होगी किसी की। मैं भाई साहब कुछ मुंह से बोलो। अरे पर नाच के बताओ मौत होगी किसी की। अबे वसीम अबे बेटे हो गया खाने का इंतजाम। कहाँ? वहां पर बारात निकल रही है, बस हमें नाचना आए। रुक वसीम, मुझे इस सुतरीके के कानों पर भरोसा नहीं है, खुद अपनी आंखों से देखता हूँ ना। मैं हमारे घर पर ना है टीवी की डिश। अरे भाई साहब किसकी बारात निकल ली? मेरे अब्बा की बारात निकली, आजा शामिल हो जा। पूछूं क्या हुआ? मैं क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रही है वसीम, किसी के अब्बा की बारात निकल ली है, तुरंत खाने पे टूट पड़ो। ओ, 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 आज मेरे यार किसका दिल था, आज मेरे यार। क्या हुआ वसीम? ये कैसी बारात है? अबे यही तो बारात है, नया ड्रेस कोड है, ये स्टाइल। तूला सोता हुआ क्यों जा रिया? अभी सोगा जब ही तो रात को। पर बारात तो रात की है ये। आ नाचे यार, नाश्ता निकल जाएगा। जूली जूली तूने बदल लाया मेरी जान, जूली तूने मेरी जान। आ आ आ आ आ आ आ आ आ लो भी बसी मंडप भी आ गया। अब भाई साहब कौन सी गाड़ी मिली है दहेज में लौंडे को? बाबूजी का संस्कार बाद में होगा, पहले इन तीनों का संस्कार करेंगे। देख 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 स्वागत के लिए आ रहे हैं, गोदी में लेके जाएंगे। बरातियों का स्वागत ऐसी तो होता। ऐसा कौन स्वागत करता है वसीम बरातियों का? अबे ये फोटो है उस आदमी का जिसे मानना था। और ना मर्सिडीज डीजल में नहाती है सुतरी के, समझा वसीम से? वही आदमी है ये। वैसे तो मैं भाई मार देता ऑफिस में। भैया
अभी तो 150 साल गए हुए थे तो भैया भैया ओवर हो रहा है, चच्चा उठ जाएंगे, इतना मत करो, प्रॉपर्टी निकल जाएगी। पहले नाजिम ये तो यहीं आ गया आदमी, मैं इसे निपटा के आता हूँ, तुम यहीं बैठो। अबे बे 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 बेरे ये क्या कर रहा है, फोटो तो देख ले, फोटो किसका है? ना खिचड़ी में मोटा चावल ही डलता। हैंगआउट बच गया, हैंगआउट बच गए आप। समझ में नहीं आ रहा फोटो किसने चेंज किया है। समझ में नहीं आ रही मेरा फोटो किसने दिया इन्हें। सब अगली गोली तभी मारेंगे माथे में जब पूरे पैसे दे दोगे। अबे क्यों मारना चाहते थे इसे? दरोगा साहब उन्हें जानते हो, मीडिया वाले रिपोर्टर मनोज को? हाँ। बस उन्होंने ही दी थी इस आदमी की सुपारी हमें। अबे तू मरवाना चाहता था मुझे? दरोगा साहब एक मिनट, मैं जरा एक से हिसाब कर लूं। क्यों बे, किसे दिया फोटो? इसको। अबे साले तुझे भी इन तीनों में से यही मिला ये अंधा। किसकी बात कर रहे हैं ये? पांक। यही तो कह रही है इसकी चील की निगाह। मत्थे में गोली निकाल दूंगा, सच सच बता क्यों मरवाना चाहता था मुझे? दरोगा साहब मैं तुम्हें इसलिए मरवाना चाहता था कि मैं आईफोन 11 ले सकूं और अपने रिश्तेदारों में और इंस्टाग्राम पर रोला काट सकूं। वो कैसे? तुम्हारी मौत की खबर मेरे न्यूज चैनल पर ज्यादा चलती तो मैं ज्यादा पैसे कमाता और आईफोन 11 लिया था। अब मैं लाऊंगा, चल। मैं दरोगा साहब, क्या करना है? कितनी सुपारी मिली है मेरे मर्डर की? क्या बात कर रहे हो, बता दूं? हाँ बता दे। सबको पता चल जाएगी? हाँ बता दे। अबे नाजिम और वसीम, अबे ये जो सफेद कुर्ते में है ना, दरोगा साहब कह रहे हैं सब आतंकवादी हैं। अरे मारे बेटी भाई। अरे बाबूजी का तो अंतिम संस्कार कर ले। अबे आप अपने संसार को बता ले।